तो भाई जो आपने वीडियो देखी करोल बाग की, वहाँ गए थे तो वहाँ पे भाई हनुमान जी का जो मंदिर है ना उसमें भी चले गए थे, तो उसकी वीडियो और आज डाल देता हूँ भाई। अभी ये बाल ऐसे हो रहे हैं, मतलब टोपा टप्पा लगा रखा था भाई, इतने सारे ताम झाम क्योंकि ज़्यादा घना है भाई बाहर, तो उसकी वीडियो और डाल देता हूँ और देख लो एक बारी भाई। जो बड़ा भाई है, जो भी भाई है, और अभी जा रहे हैं भाई। अब स्प्लेंडर भाई यहीं खड़ी कर दी और 220 लेके आ रहे हैं बैठ के भाई। भाई पटाखे पटुखे भी सही फूट रहे इसमें, क्लासिक है यो वाली। और अभी 220 ले आते एक बारी। पटाखे का कड़ा फूट रहा है। भाई अभी अपने हाथ में आ गई है बुलेट और वो चला रहा है 220। बैटरी डाउन हो गई, इसकी थोड़ी बैटरी डाउन हो जाती है भाई क्योंकि घर ही खड़ी रहती है, अभी चला रहे इसको कम है। चल तू बाइक निकाल। अभी एक बार ऑफिस में जाकर दिखा देते हैं आपको। तो भाई चल दिया बाइक लेके, और अभी देखना भाई जो है आगे लड़की जा रही है स्कूटी पे, भाई बहुत डर जाएगी रूट रूट की आवाज़ सुन के। साइड में लगा लेती है वो, तो मतलब कैमरा आगे था पीछे नहीं किया था, वो साइड में रोक के खड़ी कर लेती है, पता नहीं भाई बाइक लगा रहे हैं। अभी पहुँच चुके थे भाई यहाँ पर, बाइक लगा देती है वाइडर जो साइड में, हमको नहीं पता भाई कि चलाने वाला भी यहाँ पर कैसे, मतलब देखा था अभी एक बंदे की दो तीन बाइक लेके उठा के लेके थे और एक गाड़ी टो करके लेके थे, पुलिस के साइड में लगा रहे हैं और मंदिर बोलते हैं साइड में ही है। भाई यहाँ पेट्रोल खत्म हो गया था हमारी बाइक का, इसके पीछे ही पेट्रोल था, वो देख लो मंदिर हो रहा। अभी उसमें जाकर फिर सिखाते हैं, मंदिर के अंदर पहली बार यार बाइक मारी, मतलब तो करोल बाग आए थे यहाँ पे, पेट्रोल खत्म हो गया बाइक का, फिर घर की तरफ आ गए थे, उधर मंदिर भी दिखे रही है, मतलब बाइक चला दी है यूँ जा रहा है। भाई हो गए अपने रोड पार करके मंदिर पे, तो भाई अपने जो पिल्लर है ना चीज ढंग से दिखता ही नहीं है मंदिर, पिल्लर बहुत दूर से वो नहीं हल्दू से मैं तो वो पिल्लर रहता है। तो भाई पहली बार ही आया, मैंने खाली ये वीडियो में देखा है एक दो बार, ये देखना बाल कैसे हो गए हेलमेट लगा के, और उसके तो मेरे से भी बेकार हो गए, कोई बात नहीं ठीक है, फिर भी जैसे भी हो रहे हैं मतलब सारे बाल बिगड़ गए यार, सेट तो करके आए थे घर से, फिर हेलमेट लगाए तो उन्होंने फिर सारे बाल ख़राब हो गए। भाई आज अपना प्रसाद और वो ले ले लेते हैं, और हेलमेट भाई हम अंदर ही ले गए थे क्योंकि बाहर कोई जगह थी नहीं रखने की हेलमेट, और जूते तो यहीं निकाल दिए थे। भैया चले गए मंदिर के अंदर, अब देख लो एक बार वीडियो में, मतलब वो इस बाद में डालूंगा इसमें अभी बात की, मतलब बाद में बताऊंगा अंदर की बात। बार बार नहीं ले रहा
चढ़ा दूंगा। अबे तो डाल दियो ना, धक्का क्यों दे रहा भाई। कोई बात नहीं, तो वही है ये तो खतरनाक वीडियो है, चल ही रहा हूँ यार। बाइकों के गुस्से हूँ या तो बाद में इधर आए भाई, मेरा इसका साउंड मैंने जो बस कर दिया, कर दो बंद कर दो। भाई अंदर के सारी चीज़ तो देख ली, अंदर एक जैसे गुफा की वैसा भी था, जो गुफा थी उसमें भाई बहुत सारी मूर्ति थी, और जो मतलब नीचे पानी था ना, वो मतलब जो पुजारी थे वो कह रहे थे कि पानी खुद से आ जाता है, ये जो पहाड़ जैसे थे ना उस वहाँ पे पुराने क्या था वो दीवार जैसी थी, पहाड़ जैसी करिए पानी इनमें से खुद आ जाता है, हम मतलब डालते वालते नहीं है, खुद आ जाता है, सुबह कह रहे रात को भर जाता पूरा। और भाई फिर चले गए थे करोल बाग मंदिर में दर्शन करके, ये देख लो भाई करोल बाग में, ये बहुत ही भाई अब इनकी चीज़ बहुत ही महंगी है, और जैसे हम अपनी चीज़ इनको बेचें ना तो हमारी चीज़ बहुत ही सस्ती लेते हैं, जैसे इनकी कोई बाइक होगी वो 70,000 की, हम उसी मॉडल की सेम वैसी बाइक कंडीशन की देंगे तो हमारी 30,000 रुपये लगाते हैं। यहाँ से हम लेने आए थे भाई टेप और वो हीटगन, एक बंदे से पूछी थी हीटगन की, वो उसने तो भाई बहुत ही मतलब कह रहा हाँ मिल जाएगी फिर दी ही नहीं, और ये मतलब आ गए टेप की दुकान पे, इसके पास बहुत सारी रैप थी भाई, और उधर की तरफ मेलियन रैप जो अभी चल रही है वो भी थी 850 रुपये मीटर थी पर वो, और ये भाई है ना मतलब 5 मीटर दे रहा था, मैंने इससे स्मोक ली थी चलेंगे, पहले एक बंदे से पूछी थी ना स्मोक तो वो बताया था 150 रुपये मीटर, और इसने दी थी भाई मेरे को ये 60 रुपये मीटर दी थी, पर ये कहता मैं 5 मीटर दूंगा, तो फिर मैंने 5 मीटर ही ले ली थी, ये रही मेरे हाथ में है। ठीक है भाई अपने पास है 3-4 बाइक है तो हो जाएगी, 5 मीटर लग जाएगी हर जगह, अब यहाँ से चलेंगे अपने घर, और रास्ते में भी वो आ जाएगी मंदिर, मतलब मंदिर के उधर से ही जाना है वापस भी, वहीं से जाएंगे तो इसी रोड से ही जाना पड़ता है भाई, हम नजफगढ़ के बंदे हैं तो नजफगढ़ जाने के लिए यहीं से जाना पड़ता है, और सामने देख लो मंदिर है, और भाई इधर साइड में सुपर बाइक का भी एक शोरूम सा था, जैसे ये ZX10R खड़ी है, और वो भी और उधर Z900 और वो ट्रैम की बाइक थी भाई, ट्रैम RRR थी, पता नहीं कौन सी थी भाई, उधर बहुत सारे बंदे घूर रहे थे इसलिए फिर मैंने ज़्यादा नहीं देखा उधर, वो देख लो भाई हनुमान जी का मंदिर यहाँ से कैसा दिख रहा है, और भाई वीडियो बता देना ये बोले कैसे लगी, वैसे इसमें ज़्यादा बाइक के बारे में तो नहीं था, बाइक मतलब जिनके बारे में ज़्यादातर वीडियो डालता हूँ उस चीज़ के बारे में तो नहीं था, बस इधर आए थे तो भाई वीडियो बना ही ली थी, बस वो डाल दी इधर ले इधर। हाँ तो पहले 200 बता दी।